मनोज देव YouTube से एक महीने के अंदर और एक साल के अंदर कितना अर्न करता है आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे मैं एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे एक वेबसाइट है सोशल ब्लेड करके, मैं उसको ओपन कर लेता हूं। मैं इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये वेबसाइट किस काम की है। ये वेबसाइट बनाई गई है जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनसे जो यूजर्स हैं इसके वो कितने रुपए अर्निंग करते हैं, क्या क्या उनका स्टेटस है, ये सारी जानकारी हमें इस वेबसाइट की मदद से मिलती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इस ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सोशल ब्लेड की है इसको मैंने ओपन कर चुका हूं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं जो मनोज देव का मुझे इनकम जाननी है उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूट्यूब को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं सिर्फ यूट्यूब की इनकम आज बताने वाला हूँ, अलग इनकम के बाद में बात करेंगे। अपन यूट्यूब से मनोज देव कितनी इनकम करता है इसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, मनोज देव टाइप कर देना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मनोज देव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मनोज देव ने कितने 1313 वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं इस चैनल के ऊपर। और यहाँ पे इसके जो सब्सक्राइबर की बात करें अपन तो ये जो सब्सक्राइबर हैं ये है इसके 3.69 मिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 37 लाख के इक्वल्स ये जो सब्सक्राइबर है यानी 37 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं आज के टाइम पे। और अब अपन बात करते हैं इसकी जो रेवेन्यू ये कितना अर्निंग करता है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेट मंथली अर्निंग यहाँ पे इसकी शो कर रखी है। ये जो कमाता है $3,500 महीने के, $3,500 से $56,000 यानी कि इन दोनों के बीच की ये इतना अर्न करता है। यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर कहें तो ये कम से कम $50,000 तो ये महीने के अर्न करते ही होंगे ओनली गूगल एडसन की मदद से। जो एडसन अकाउंट है उसकी मदद से ये कितना $50,000 की बात कर रहा हूं, मैं $50 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं $50,000 की बात कर रहा हूं। ये अप्रोक्सीमेट $50,000 यहाँ पे कमाते होंगे। अब मैं बात करता हूँ ये इसको इंडियन मनी में, मैं आपको बाद में चेंज करके बताऊंगा कि इसका जो रेवेन्यू है वो इंडियन मनी में कितना होगा। यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी कि ये ईयरली कितना इनकम जनरेट करते हैं। तो ये जो ईयरली इनकम जनरेट करते हैं ये है $42,000 से लगा के ये करते हैं 6,77,000 यानी कि अप्रोक्सीमेट ये $7,00,000 के लगभग इसकी जो मंथ ईयरली इनकम है यानी कि साल की इनकम है। तो दोस्तों ये तो आप देख चुके हैं डॉलर के अंदर, लेकिन यही इंडियन रुपीज में यानी कि अपने रुपये के अंदर ही कितना होता है। तो ये चलिए ये देख लेते हैं अपन। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कितना वो मंथली इनकम लगभग जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पे जो मनोज दे हैं वो कम से कम मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे लिया मंथली इनकम, मंथली इनकम उनके लिए मैंने $40,000 उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 80 से क्योंकि $1 लगभग 80 रुपए का। तो यहाँ पे इसकी जो मंथली इनकम जो जनरेट हुई है वो है 32 लाख रुपीज यानी कि 32 लाख रुपए। क्या दोस्तों आपको भी शौक लगा है ये सुन के 32 लाख रुपीज? क्या कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब से इतना कमा सकता है? नहीं दोस्तों, लेकिन ये जो मुमकिन हुआ है यूट्यूब की मदद से। बात करते हैं अब अपन ईयरली इनकम की। यहाँ पे ईयरली इनकम की मैं बात करूं तो ईयरली इनकम अपन ने देखा था इनके अप्रोक्सीमेट मैंने 7 लाख लिया जो यू वो सोशल मीडिया की मदद से जो आपको पता चल रहा था वो कितना था 7 लाख, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया ओनली 5 लाख और 5 लाख को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 80 रुपए से। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना बन रहा है अपने 4 करोड़ रुपए यानी कि जो मनोज दे की यूट्यूब इनकम ओनली गूगल एडसेंस से है वो कितनी है 4 करोड़ रुपए सालाना। ये सिर्फ यूट्यूब यानी गूगल एडसेंस से, वो जो प्रमोशन करते हैं अफिलियट मार्केटिंग है इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है इस तरह या फिर इंस्टाग्राम है, बहुत सारे जो अदर्स इनकम है उसके बारे में मैंने बात नहीं की है। ये सिर्फ मैंने बात की है यूट्यूब से अर्निंग के बारे में। तो कितना कमाते हैं तो दोस्तों आपको भी लग जाना है डेली, आपको कंसिस्टेंसली आपको वीडियो अपलोड करना है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपको जितना हो सके उतना सीखना है, सीखते जाना है और अपनी लर्निंग को अप्लाई करते जाना है। ये नहीं कि केवल सीखते जाएं और बैठ के अपन को केवल YouTube के वीडियोज ही नहीं देखने हैं, अपन को बनाना भी है, मोबाइल के कैमरे को चेंज करना है, अपन को देखना नहीं है उसके कैमरे बैक करके अपन को चैनल पे अपने वीडियोज भी रेगुलर अपलोड करने हैं। तो दोस्तों ये जो इनकम जान के आपको कैसा लगा,
क्या आप भी मोटिवेट हुए हैं नए वीडियो डालने के लिए? आप भी अगर आपने वीडियो डालना बंद कर दिया है तो आज ही से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें अपने चैनल पे हर दिन एक नया वीडियो लाने की। आप एक दिन में नहीं ला सकते, आप कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के अंदर तो कम से कम एक वीडियो जरूर डालें और अपने चैनल को ग्रो करें। क्योंकि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप हर दिन एक कुछ नई चीजें सीखेंगे। जिस दिन आपको हर सीखते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक प्रो बन जाएंगे और एक दिन आप भी एक मनोज देव बन के निकलेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।